गाइस वेलकम टू मैजिक क्यूबर्स, थैंक यू फॉर मेकिंग दैट वीडियो हिट 50 लाइक्स। मैंने बोला था 50 लाइक्स होते हुए आपको ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा। ये रहा उस ट्रिक का ट्यूटोरियल, लक का ट्रिक का, और आई होप आपको रिमाइज पसंद आया हो। और काफ़ी यूनिक सब रिमाइज और काफ़ी मतलब ट्रिक बहुत ईजी है समझने के लिए और काफ़ी अच्छी भी लगती है मुझे परफॉर्म करने के लिए। तो इस ट्रिक को करने के लिए आपको एक छोटा सेटअप चाहिए और आप ट्रिक को समझो। अगर आपने अभी तक परफॉर्मेंस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख आइए, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली सेटअप आपको बॉटम में 10 कार्ड चाहिए, ठीक है। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्ड आपको बॉटम में चाहिए, ठीक है। कोई भी सूट के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 कार्ड चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस में आप इसको टॉप से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टॉप में उल्टा जाएगा। जैसे एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे जाएंगे, एस 2 3 एंड सो एंड सो। तो आप यहाँ से ट्रिक स्टार्ट करोगे, ताकि अगर कोई मैजिशियन अगर उसको फूल करना चाह रहे हो तो बेसिकली कार्ड को शफल करोगे। पहली बारी में टॉप का स्टॉक कंट्रोल कर लोगे, ठीक है। आपको अगर वो कंट्रोल करना नहीं आता, ये ट्रिक आपके लिए एडवांस है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो ये ट्रिक ऑलरेडी थोड़ी सी एडवांस है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, जब कार्ड शफल करते हैं तो आपको ये वाला पार्ट लास्ट में छोड़ना है, जिससे क्या होगा आपका जो सेटअप था 10 कार्ड्स का वो मेंटेन रहे। इसके बाद आप ओवर एंड शफल करोगे। इसका याद रखने के लिए आप सिंपल ईजी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इसके बाद आप ज़्यादा मिक्स कर सकते हैं अच्छे से। तो ऐसा करते ही किसी के दिमाग में अगर सेटअप का होता है ख्याल, वो चला जाता है और आपका जो सेटअप में वो चाहिए था एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्ड्स वाला वापस नीचे आ गया। अब आते हैं ट्रिक पे बारे में। तो इसमें आपको एस्टिमेशन की नीड रहेगी। एस्टिमेशन कैसे, फॉर एग्जांपल अपने कार्ड ले लेते हैं जो ईजी टू रिमेंबर हो, क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये कार्ड ले लेते हैं, ठीक है। अपने क्वीन ऑफ हार्ट्स का एग्जाम्पल लेके करेंगे कि ये ट्रिक को परफॉर्म। तो ये क्वीन ऑफ हार्ट्स है, ये उन्होंने सपोज सेलेक्ट की। अब आप क्या करोगे, आप कार्ड इसे ड्रॉप करोगे और लगभग हाफ में आप कहीं स्टॉप बोलने के होगे। तो जैसे ही हाफ हो जाएंगे, यहाँ स्लो हो जाओ, लगभग आपके हाथ में हाफ कार्ड्स रहेंगे और नीचे हाफ कार्ड्स रहेंगे, ठीक है। इसके बाद वो अपना कार्ड यहाँ रख देंगे और आप ये सारा पैकेट ऊपर गिर दोगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो अपना जो सेटअप है उनकी जो भी सिलेक्शन है, जैसे अपना एस ऑफ क्लब्स है, ये रहा सेटअप, उसका नेक्स्ट कार्ड उनका कार्ड होगा, ठीक है। और ये देखोगे मिडल में है, ठीक है। तो जब आप एस्टिमेट करोगे भी कट के लिए, वो बहुत इजी हो जाएगा। वो क्या क्या बताना है कि आपका कार्ड नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है, कहीं बीच में, क्योंकि उन्होंने देखा है कोई आपने कोई स्लाइड ऑफ हैंड यूज़ भी नहीं किया अभी तक। और आप बोलोगे मैं एक और बार कट लगा देता हूँ। अब इस बार जो कट लगाओगे ना, आपको लगभग 30 कार्ड्स कराउ, 30 या 30 से ज़्यादा, जैसे इसके में इतने, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। जब मुझे लग रहा है लगभग 30 से 35 कार्ड्स के बीच में है, आप कट लगाओगे, उसको कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका कार्ड था अपने सिलेक्शन का, वो देखो यहाँ आ गया, ठीक है, ऑलमोस्ट नीचे ही आ गया। आप थोड़े से ज़्यादा कार्ड से भी कट लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर 3-4 कार्ड और कट लगा देते हैं, तो आप अराउंड 35-36 कार्ड्स भी, जितना भी वो एस्टिमेशन के हिसाब को देखना पड़ेगा कितने कार्ड्स के नीचे रखा उन्होंने। तो इस केस में क्या होगा, अपना सेटअप है वो बॉटम में आ गया लगभग यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि ये ट्रिक है ना लक के ऊपर है, तो आप बेसिकली सामने वाले को अच्छा फील करा रहे हो कि वो लकी है। तो अगर मैं इतना लकी नहीं जितने आप लकी लग रहे हो, जैसे मैं समझाता हूँ कैसे। मैं सपोज यहाँ कट करता हूँ, तो ठीक है आप ले सकते हैं एस्टिमेशन लगभग 20 कार्ड्स के अराउंड। इस केस में मैंने यहाँ लिया 4, क्योंकि ये नंबर आया 4, मैं 4 कार्ड्स काउंट करूँगा, 1 2 3, फोर्थ कार्ड कहीं आपका कार्ड था। वो बोलेंगे ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। आप उनको बोलो कि आप कट लगाओ। अब इतने से कार्ड में वो कहीं भी कट लगाएंगे तो अपने किसी ना किसी नंबर पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो लगभग आधे कार्ड उठाने के लिए बोलोगे, जिसके में 7 आ गया, और थोड़े से ज़्यादा भी अगर उठा ले तो इसमें 4 आ गया, ठीक है। तो उनको बोलना लगभग हाफ कार्ड्स कट लगाने के लिए, तो इसके इसमें वापस 4 आ गया, तो बोलेंगे 4। तो आपने भी 4 पे कट किया, लेकिन आप ज़्यादा लकी हो। कैसे, क्योंकि आप देखोगे 1 2 3 जो फोर्थ कार्ड है वो आपका कार्ड होगा। तो ये थी ट्रिक, आई होप आपको पसंद आई हो। आपको इसको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप खुद पे ट्राई करके देखो, ताकि आपको एस्टिमेशन का आइडिया हो जाए। और ये मैजिशियन फूलर भी कह सकते हैं एक तरीके से, अगर आप फूल हुए थे, अगर आपको ट्रिक्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है। और बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।